Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss the broad heading of secondary education, in which this time I am going to discuss empowerment of secondary school teachers, role of IASEs and CTEs. What is IASE? It is Institute of Advanced Studies in Education, and CTE is Colleges of Teacher Education. Okay. The lecture will be useful for general understanding as well as for your covering of syllabus and competitive teaching examinations as well. Okay. तो बात करते हैं IASE और CTE की. देखिए, हम इसी क्रम में बात कर चुके हैं रोल ऑफ NCERT इन द एम्पावरमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स. उसी क्रम में आगे IASE और CTE की बात होगी. डाइट की बात हो रही थी, आपको याद होगा जब हम लोग बात कर रहे थे कि रोल ऑफ डाइट इन द एम्पावरमेंट ऑफ प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स. तो उसी क्रम में आपको पता होगा, याद होगा, हम फिर से दोहरा देंगे कि डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, IASE means Institute of Advanced Studies in Education, and CTE means Colleges of Teacher Education. इन तीनों की ही जो संरचना है, जो तीनों का ही उद्भव है, इवोल्यूशन है, स्थापना है, वो एक ही मेन उद्देश्य के तहत हुई है. कौन सा उद्देश्य है, देखिए. After adoption of NPE 1986 in pursuance of its provisions of teacher education, यानी कि जब 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और कहा गया कि भाई हमको टीचर एजुकेशन सुधारना है, क्योंकि टीचर बढ़िया होगा तो आप किसी भी लेवल पे वो पढ़ा रहा होगा, जिस जिस लेवल पर पढ़ाएगा उस लेवल की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी. तो एक स्कीम आई थी, अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन वाज अप्रूव्ड इन अक्टूबर 1987. अक्टूबर 1987 में इस स्कीम को पारित किया गया था. क्या थी स्कीम? CSS के नाम से जानी जाती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो शिक्षक शिक्षा है उसका हम पुनः इसकी स्थापना करेंगे, संरचना करेंगे, संगठन सब सुधार देंगे. तो पांच कॉम्पोनेंट्स थे इस स्कीम के. कौन कौन से? देखिए, सेटिंग अप ऑफ डायट्स. इसी स्कीम के तहत डायट की भी स्थापना हुई थी, पर चूंकि यहाँ पे हम सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे इसलिए डायट को हमने छोड़ दिया है. नहीं तो जब हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे थे तो डायट ही हमारा मेन उद्देश्य था पढ़ना. तो डायट की स्थापना क्यों गई क्यों की गई थी? सेटिंग अप ऑफ डायट्स टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस कोर्सेज फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स एंड फॉर पर्सनल वर्किंग इन नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन. देखिए, आपको याद होगा कि हमको क्या चाहिए था? UEE चाहिए था. तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर का प्री सर्विस और इन सर्विस कोर्स सुधार दीजिए, और क्योंकि सबको आप आके मतलब फॉर्मल एजुकेशन के तहत शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो जो छूट गए हैं उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन से पढ़ा दीजिए, और जो बड़े हो गए मतलब वयस्क हैं जिनको आप वापस स्कूलिंग नहीं दे सकते उनको एडल्ट एजुकेशन से शिक्षा दे दीजिए. तो इन तीन तरीकों से ये सोचा गया था कि हम सभी को एलिमेंट्री लेवल की शिक्षा दे पाएंगे. तो यहाँ हमारा मेन उद्देश्य डायट से नहीं है, किससे है? Strengthening of colleges of teacher education and development of about 50 of them as institutes of advanced studies in education. डायट की स्थापना हुई, डायट अभी हम जाने देते हैं. फिर किसकी स्थापना हुई? जो CTE थे, जो colleges of teacher education थे, उनको कहा गया कि उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए, स्ट्रेंथनिंग की जाए उनकी, और उन्हीं में से 50 को मतलब अब जो भी संख्या प्रोपोर्शनेट होगी उसके हिसाब से हम IASE बना देंगे, मतलब उसी में से कुछ को और डेवलप करके IASE का दर्जा दे देंगे. और क्या करेंगे? रीवाइटलाइजेशन ऑफ SCERTs. जो SCERT पहले से हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसको भी बढ़िया करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे, रीवाइटलाइज कर देंगे. और क्या करेंगे? मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स. ये जो विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन बहुत सारी संख्या में उनका ओरिएंटेशन करेंगे अंडर ए प्लान्ड प्रोग्राम टू बी इम्प्लीमेंटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ NCERT. एक सुनियोजित कार्यक्रम इसके लिए चलाया जाएगा, और किसके सुपरविजन में चलेगा? NCERT के सुपरविजन में चलेगा. और क्या होगा? CSS के तहत establishment and strengthening of departments of education in the universities through UGC. यानी हर लेवल पे, देखिए एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर एजुकेशन लेवल पे इस तरीके के संगठनों की स्थापना की गई जिनका उद्देश्य शिक्षकों की ट्रेनिंग था. तो आप समझ सकते हैं कि IASE और CTE का रोल इस तरह से है, लेकिन IASE CTE का रोल एलिमेंट्री एजुकेशन में भी है, लेकिन यहाँ पर हम उसको सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में ध्यान दे रहे हैं. पूछा जाए तो आप इसको एलिमेंट्री एजुकेशन में भी बता सकते हैं इसी पॉइंट्स के तहत. ठीक है, फिर क्या है IASE और CTE का काम?
देखिए जहां जहां सेकेंडरी स्कूल टीचर है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, इसीलिए द मेजर टास्क ऑफ सीटीज एंड आईएएससीज इज टू ऑफर सुपीरियर क्वालिटी इन सर्विस एंड प्री सर्विस प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक हैं उनकी सेवारत और सेवा लग्न की स्थिति में, पूर्व सेवा और सेवारत की स्थिति में दोनों तरीके की सर्विसेज सुपीरियर क्वालिटी का देने का ऑफर करने का टास्क है कि सीटीई और आईएससी क्या करेंगे, इन सर्विस और प्री सर्विस बढ़िया क्वालिटी की ट्रेनिंग देंगे टीचर्स को। फिर क्या करेंगे, पर्सोनल ऑफ एडल्ट एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये भी क्यों, क्योंकि जो यूईई का कंसेप्ट था उसी को बाद में कहा गया कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को हम बढ़ा दें, उसका स्पैन बढ़ा दें और उसका हम दायरा भी बढ़ा दें और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल कर लें, उसको सेकेंडरी एजुकेशन कर लें, है ना। फिर CTEs and IASCs were established primarily as space setting and innovative institutions to lift सेकेंडरी टीचर एजुकेशन फ्रॉम इट्स लो स्टेटस एंड पुट इट ऑन द हाई पेडेस्टल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, है ना। तो इसलिए भाई इसकी स्थापना की गई कि हम बढ़िया कर पाए, इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन इसको बना पाए, पे सेटिंग बना पाए। पे सेटिंग का मतलब कि ऐसा हो कि एकदम मतलब मानक निर्धारित करें ताकि हम सेकेंडरी टीचर एजुकेशन का स्टेटस बढ़ा सकें, उसको बढ़िया प्रोफेशनल बना सकें। फिर इनफैक्ट द सीटीई एंड आईएएससी आर द एकेडमिक लीड इंस्टीट्यूशन एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कह रहे हैं कि आप इनको इतना बढ़िया बना दीजिए कि जिले स्तर पर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाने जाएं, एकेडमिकली लीड इंस्टीट्यूशन के नाम से जाने जाएं, कि इनसे बढ़िया कोई काम ना करें। फिर द सिटीज एंड आईएएससीज आर एक्सपेक्टेड टू वर्क एज रेफरल यूनिट्स फॉर सॉल्विंग ऑल द एकेडमिक प्रॉब्लम्स थ्रोन अप बाय द एजुकेशन फील्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द एरियाज ऑफ सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग, सेकेंडरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन बाय इफेक्टिवली इन्वॉल्विंग द वेरियस गवर्नमेंटल एजेंसीज, वॉलंटरी एजेंसीज, एनजीओज, एल्यूमिनाई एंड कम्युनिटी एट लार्ज। कह रहे हैं कि सिटी और आईएएससी को इस तरह से काम करना चाहिए कि एकदम रेफरल यूनिट की तरह से काम करें, मतलब किसी को भी रेफर करना हो तो आप बता दीजिए कि आप सीटी चले जाइए, आईएएससी से ये काम हो जाएगा। तो जितनी भी जिला स्तर पर शिक्षा से संबंधित समस्या है, चाहे वो सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग से संबंधित हो, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित हो, वयस्क शिक्षा से संबंधित हो, नॉन फॉर्मल से संबंधित हो, सबका देख रेख सीटी और आईएएससी करे। और करेगा कैसे, गवर्नमेंट एजेंसी को भी इन्वॉल्व करेगा, वॉलंट्री एजेंसी को भी, नॉन वॉलंट्री नॉन गवर्नमेंट को भी, एल्यूमिनाई भी चाहे तो वो भी काम कर सकते हैं, समुदाय के लोगों से भी सहायता ली जाएगी, तभी तो इतना लार्ज स्तर पर काम होगा, वृहद स्तरीय। फिर the CTEs and IASCs are required to combine the twin functions of secondary school teachers as well as of elementary teacher educators. देखिए elementary teacher educator का भी काम है इसके पास, लेकिन यहाँ पे चूंकि आपसे आपके कोर्स में है कि IASC और CTE का रोल secondary school teacher के लिए, इसलिए आप इसको जाने देंगे, वरना in general आपको पता होना चाहिए कि secondary as well as elementary teacher educator की स्थिति सुधारने का काम CTE और IASC के पास है। ओके okay. और सुधारना कैसे है, इन सर्विस एंड प्री सर्विस सुपीरियर क्वालिटी का ट्रेनिंग देके। तो फंक्शंस कौन कौन से हो गए इसके, वही बार बार बात आ रही है, इम्पार्टिंग ऑफ क्वालिटी प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन टू द सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, जो सेकेंडरी स्कूल में आने वाले हैं उनको और जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं दोनों को ही हमको बढ़िया क्वालिटी की एजुकेशन और ट्रेनिंग देनी है। और क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल फॉर द फैकल्टीज ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड देयर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। और क्या करना है, प्रोविजन ऑफ जनरल रिसोर्स सपोर्ट टू द सेकेंडरी स्कूल्स एंड एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, जो हमारे एलिमेंट्री लेवल के टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको हमको रिसोर्स सपोर्ट देना है। मतलब कोई आपको रिसोर्स पर्सन चाहिए, कोई ट्रेनिंग करानी है, कोई मॉड्यूल चाहिए, सबको देने का काम आईएएससी और सीटीई का है। और रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन वर्क इन द फील्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, उसी तरह से माध्यमिक शिक्षा और एलिमेंट्री शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का काम, कोई नवाचार हो वो, कोई एक्सटेंशन वर्क हो वो, सब प्रोवाइड करने का काम आईएएससी और सीटीई का है। फिर फंक्शंस ऑफ सिटीज अगर अलग से देखे जाएं तो सिटीज नॉट ओनली एक्सपेंड द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स बट ऑल्सो री इन्वेंट देमसेल्व्स टू प्रोएक्टिवली इंटीग्रेट विद द लार्जर स्टेट टीचर एजुकेशन सिस्टम। देखिए जो टीचर एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जिसमें पढ़ाई की मतलब शिक्षक तैयार किए जा रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल के लिए चाहे सेकेंडरी लेवल के लिए, तो इनका मेन पर्पज मतलब टीचर एजुकेशन को सुधार दें तो अपने आप सेकेंडरी स्कूल जो है, सेकेंडरी स्कूल का टीचर अब की क्वांटिटी और क्वालिटी अपने आप सुधर जाएगी।
तो आरएमएस से क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रपोजेज एन ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टुवर्ड्स कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स इन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आरएमएस ने एक प्रपोज किया कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट द रोल ऑफ कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन बिकम्स क्रूशियल स्पेशली ओवर द नेक्स्ट 5 years। इट इज इनविजन दैट सिटीज प्ले द मेजर रोल इन द फील्ड ऑफ सेकेंडरी टीचर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑल्सो गाइडिंग द वेरियस सेकेंडरी टीचर एजुकेशन इन द डिस्ट्रिक्ट्स अंडर देम। दे हैव टू सी देमसेल्व्स एज सेंटर्स फॉर डेवलपिंग एक्सीलेंस इन सेकेंडरी टीचर एजुकेशन एंड इन सेकेंडरी क्लासरूम्स एट स्कूल। मतलब क्या कि आरएमएसए ने कहा कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाएंगे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, तो उन सभी टीचर्स को डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट, उनकी गाइडलाइन, उनको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके लिए मॉड्यूल बनाना, सारा काम सीटीई का है। तो द सिटीज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शैल कंडक्ट ट्रेनिंग नीड एनालिसिस इन बेस लाइन सर्वेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो सिटीई सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, नीड बेस्ड, मतलब जहाँ आवश्यकता है वहाँ। दे शैल प्रिपेयर कंटेक्स्ट स्पेसिफिक टीचर हैंडबुक्स एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर क्वालिटी ट्रेनिंग। तो ये लोग टीचर के लिए हैंडबुक भी बनाते हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाते हैं, कुछ नया आ गया, कुछ आपको अवेयरनेस प्रोग्राम है, सब कुछ। दे शुड डिजाइन, दे शुड, दे शैल, मतलब वो ऐसा करेंगे, ये इसकी स्थापना के समय सोचा गया है। दे शुड डिजाइन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इज ओपन एंडेड, लर्निंग मोर स्कोप फॉर द ट्रेनी फॉर सेल्फ लर्निंग एंड टू इक्विप हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मीट द चैलेंजिंग नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द प्रोफेशन। और ये इस तरीके का प्रोग्राम है जो ओपन एंडेड है, मतलब उसमें जो सीखने वाला है, जो सेकेंडरी स्कूल टीचर है, उसके लिए स्कोप है कि वो जितना चाहे अपने अपने पेस से, अपनी गति से और बढ़िया 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 कर सकता है। फिर functions of IASE is the creation of, ये तो CTE हो गया, और IASE का क्या काम है? Creation of Institute of IASE came about as a result of the NPE, which states that teacher education is a continuous process and pre-service and in-service components are inseparable. The vision of IASE should be to improve the quality of teacher education at the secondary, elementary and primary level. देखिए, NPE ने कहा कि टीचर की स्थिति सुधारनी है, और उसने कहा कि टीचर एजुकेशन का जो in-service component है, यानी कि आप सर्विस में है उसके पहले और जब आप सर्विस में आ गए उसके बाद, वो दोनों इनसेपरेबल है, मतलब आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते, सबको एक कॉम्पोजिट रूप में उनको बढ़िया से बढ़िया शिक्षक बनाइए। तो आईएएससी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको सेकेंडरी, एलिमेंट्री और प्राइमरी लेवल की टीचर एजुकेशन की क्वालिटी सुधारनी है। तो कैसे सुधारेगा? वही सारी चीजें फिर से आ जाएंगी, क्या कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कोर्स बनाएगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड और थीम स्पेसिफिक इन सर्विस प्रोग्राम बनाएगा, प्रोवाइड एक्सटेंशन एंड रिसोर्स सपोर्ट स्कूल, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड इंडिविजुअल टीचर्स, यानी विद्यालयों को, विद्यालयों के संकुल, स्कूल कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे विद्यालय एक साथ जुड़े हुए हैं, उनका कोई कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है उनको, या इंडिविजुअल टीचर को भी रिसोर्स सपोर्ट देना इसका काम है। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का कोर्स बनाना, सब्जेक्ट ओरिएंटेड और थीम स्पेसिफिक इन सर्विस प्रोग्राम, अच्छा ये दो बार आ गया है, ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड थीम स्पेसिफिक इन सर्विस प्रोग्राम, ये दो बार है, आप इसको एक बार ही पढ़िए। फिर और क्या, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्रोफेशनल बॉडीज, जितने प्रोफेशनल बॉडीज लगी हुई हैं शिक्षा के क्षेत्र में उन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना, इन सर्विस कोर्सेज बनाना टीचर एजुकेटर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए, आईसीटी के यूथ से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, एकेडमिक गाइडेंस देना डायट को भी और सीटी को भी, मॉनिटर एंड प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट टू स्कूल्स फॉर एक्सीलेंस, स्कूलों में विशिष्टता के लिए, एक्सीलेंस के लिए एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्कूल एजुकेशन में इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट कराना, ये सब आईएएससी का काम है। तो हम कंक्लूजन के रूप में क्या कह सकते हैं कि इन इट्स रिव्यू ऑफ द एनपीई 1986, द आचार्य राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट जो कि 1990 में आई, व्हाइल आर्ग्यूइंग फॉर द अडॉप्शन ऑफ एन इंटर्नशिप मॉडल फॉर टीचर ट्रेनिंग ऑब्जर्व्ड that the internship model is formally based on the primary value of actual field experience in a realistic situation on the development of teaching skills by practice over a period of time. इसका मतलब है कि जो internship चलती है ना B.Ed वालों की, उन्होंने कहा कि actual classroom condition में वो पढ़ाएंगे तभी वो बढ़िया पढ़ा पाएंगे, तभी आप बढ़िया teacher बना पाएंगे। तो ये सब बात हुई, फिर यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आई जिसका कि लर्निंग विदाउट बर्डन जिसकी टैगलाइन है, उसने भी कहा कि स्कूल स्टूडेंट के ऊपर से हमको लोड घटाना है और कंटेंट ऑफ टीचर
प्रिपरेशन प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर करना है, जिससे कि हम जो चेंजिंग नीड्स है, जो लगातार बदल रही हैं आवश्यकताएं, उसके हिसाब से स्कूल एजुकेशन को तैयार करना है। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य में CSS आया। क्या आया? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसके तहत डायट, IASE और CTE की स्थापना की गई है। और IASE और CTE का काम एलिमेंट्री, प्राइमरी एलिमेंट्री और सेकेंडरी तीनों लेवल के टीचर एजुकेशन के लिए इन सर्विस और प्री सर्विस प्रोग्राम की स्थापना या ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन इम्फेसिस सेकेंडरी एजुकेशन से है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री लेवल पे भी ये काम कर रही है, प्राइमरी लेवल पे भी काम कर रही है और डायट को भी सपोर्ट कर रहा है IASE, क्योंकि डायट का काम सेकेंडरी एजुकेशन का नहीं है, डायट का काम एलिमेंट्री एजुकेशन का है। ओके, तो इन दिस वे यू हैव कम्प्लीटेड, यू हैव कवर्ड, यू हैव अंडरस्टैंड दिस थीम ऑफ रोल ऑफ IASE एंड CTE इन द एम्पावरमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। और ये आपके कोर्स में भी है, तो आई थिंक कि आप समझ सके होंगे। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।